नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्ट अकाउंटेंट हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के। क्या करूँ, आता रहता हूँ, कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं और कुछ पॉइंट्स आपसे इंटरेक्शन जब करता हूँ तो मुझे मिलते हैं कि इन विषयों के ऊपर कुछ क्लैरिटी अगर डेवलप की जा सके तो दैट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसीज एट लार्ज। तो आज का सर जो पॉइंट मेरे दिमाग में है वो क्या है कि कैश एक्सपेंडिचर कितना किया जा सकता है, उसकी क्या लिमिट है, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस पर हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए सर, जब हम कैश खर्चा करते हैं तो ये कैश खर्चा किस प्रकार का है, यह चीज देखना जरूरी है इनकम टैक्स के पर्पज से। सिर्फ फॉर एग्जांपल, मैं एक सैलरीड पेड एम्प्लॉई हूं और मैं किसी पर्टिकुलर प्रतिष्ठान में जाता हूँ, लेट्स अस्यूम मैं किसी कैटरिंग हाउस के पास जाता हूँ, किसी होटल में जाता हूँ, वहाँ मेरा 40,000 का बिल है, मैं वहाँ नकद दे करके आ गया। हालांकि सर, सरकार करंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती आप कैश में ऐसे ट्रांजेक्शन करें, और कैश के ट्रांजेक्शन सर अवॉइड भी होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैंकिंग को अवॉइड करते हैं और कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को प्रमोट करते हैं। लेकिन मान लीजिए सर, मैंने तो वो पर्टिकुलर पैसा गलती से मेरे खाते से ही निकाल लिया और अब मैं होटल वाले को वो पैसा देना चाहता हूँ, और उस पैसे से जो भी मैंने खर्चा किया है वहां पर, छोटी मोटी पार्टी की है, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, क्या कोई दिक्कत है? मेरी ओपिनियन में कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी सैलरीड पेड एम्प्लॉई के ऊपर नकद खर्चे की एज सच कोई लिमिट नहीं है, एज सच कोई लिमिट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब मैं सैलरी एड से सर हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा हूं, मैं एक मकान में किराएदार हूं और किराएदार के रूप में मैं वहां पर किराया दे रहा हूं हर महीने 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। क्या ऐसे किराए की राशि पर देने पर कोई आपत्ति है? मेरी ओपिनियन में सर कोई आपत्ति नहीं है। यू कैन स्टिल क्लेम सच पर्टिकुलर डिडक्शन इवन इफ यू हैव इनकर्ड इन कैश। हाँ, कल जब इनकम टैक्स अधिकारी आपसे बोलेगा सर आपने रेंट पे किया है और इसकी रसीद हमें दिखाइए, तो आपके पास नकद की रसीद होनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए आप 2,00,000 रुपए या उससे अधिक का किराया नकद दे रहे हैं एक माह का, मैं पूरे वर्ष का नहीं बात कर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में सर रिसिपिएंट के ऊपर जितना वो कैश रिसीव कर रहा है उतने की पेनल्टी आ सकती है। ठीक है, ये एक बात हुई। अब मैं तीसरी बात पर आ रहा हूं, एक बिजनेस प्रोफेशन करने वाला व्यक्ति, उसके लिए कैश खर्चे करने की लिमिट क्या है? और यहां ये भी बात महत्वपूर्ण है सर कि बिजनेस प्रोफेशन चलाने वाला व्यक्ति दो तरीके के कैश खर्चे कर सकता है, एक अपने व्यापारिक खर्चे यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, जैसे उसने कोई एसेट खरीदी। तो यहां पर सर ये बात ध्यान रखने की है, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है या कोई पेशेवर व्यक्ति है और वो इनकम टैक्स में उन पर्टिकुलर खर्चों को क्लेम करता है जो वो करता है, अब लॉ ये कहता है सर 10,000 से ऊपर का खर्चा डिसअलाउड है। लेकिन यहां मेरी एक रिजर्व ओपिनियन है, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD ऑफ इनकम टैक्स है या सेक्शन 44ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न भरता है, यानी अपना बेनिफिट प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में लेता है, तो उसके खर्चे चाहे इस 10,000 की लिमिट थ्रेशोल्ड से एक्सीड करते हो तो भी सर कोई दिक्कत नहीं है, ही कैन डू सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इन कैश। अगला मामला, कैपिटल गेन। मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर रियल एस्टेट खरीदी, आज मैं उस रियल एस्टेट को बेच रहा हूं, इस रियल एस्टेट को बनाने में मैंने नकद खर्चे किए हैं, जैसे रोड़ी बजरी सीमेंट के पेमेंट में नकद करके बैठा हूं, मैंने कोई फेंसिंग कराई, मैंने कोई दीवार बनाई, मैंने कोई गेट लगाया, ये खर्चे मैंने नकद में किए हैं, क्या मैं इन खर्चों का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? मेरी ओपिनियन में सर कोई आपत्ति नहीं है, आप ये खर्चे नकद भी किए हों तो भी क्लेम कर सकते हैं। हाँ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कैसे ये खर्चे नकद क्लेम किए। जब तक आप पेमेंट कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है सर कैपिटल गेन में, नकद में करने में भी नहीं है। हाँ, आपका नकद का स्रोत डिक्लेयर होना चाहिए, आपने खाते से विड्रॉ करे, आपने किसी से गिफ्ट लिए, यदि आपका स्रोत क्लियर नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दूसरी साइड कैप्चर कर सकता है। तो स्रोत यदि क्लियर है, ऐसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, इस खाते से निकाला और खर्चा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लेबर का पेमेंट खर्चा करिए, कोई भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2,00,000 रुपए या उससे ज्यादा यदि आप नकद खर्च करते हैं तो पाने वाले को सर दिक्कत हो सकती है, बात ध्यान रखना। ऐसे ही मान लीजिए अदर सोर्स है, अदर सोर्स में भी सर इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन लिया जा सकता है नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, परंतु मैं मानता हूं इसमें कोई डाउट नहीं है सर, यदि मेरी अदर सोर्स की इनकम है और मैं उसके अगेंस्ट खर्चा क्लेम करता हूं तो कर सकता हूं,
परंतु अदर सोर्स में भी सर अब सेक्शन 43 के प्रावधान लगते हैं, तो यदि 10,000 से ऊपर का खर्चा वहां मैं नकद कर रहा हूं तो मुझे वो खर्चा डिसला होने की संभावना है। तो सर मेरी आज की वीडियो का जो मुख्य तात्पर्य था वो ये था कि कोई व्यक्ति जो खर्चा करता है 10,000 रुपए से ज्यादा का, वो खर्चा उसको किस परिस्थिति में डिसअलाउड होता है और किस परिस्थिति में नहीं। एक बात और सर, जो मैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट के लिए लाना चाहता हूं सामने आपके, वो ये सर, अब पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट के लिए भी बात स्पष्ट कर दी गई है कि वो भी 10,000 से ऊपर का खर्चा नकद नहीं कर सकते। यानी अगर सेक्शन 12A 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और वो खर्चा 10,000 से ज्यादा का नकद कर रहा है, तो उसको वो रिलेवेंट एक्सपेंडिचर इनकम की एप्लीकेशन के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो ट्रस्टों को सर इस प्रकार की गलती ना हो ऐसी विशेष ध्यान रखना है। तो आज के लिए सर यही डिस्कशन मुझे लगता है पर्याप्त रहेगा। थैंक यू। आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।